हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि विंडोज 7 में हम सिस्टम रिपेयर डिस्क को यूज करते हुए MBR यानी कि मास्टर बूट रिकॉर्ड को कैसे रिपेयर या फिक्स कर सकते हैं। MBR यानी कि मास्टर बूट रिकॉर्ड हार्ड डिस्क ड्राइव का फर्स्ट सेक्टर होता है, जिसमें डिस्क ड्राइव के पार्टीशंस और ऑपरेटिंग सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप MBR के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए लिंक को क्लिक करके इससे रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं। कभी कभी हमारा MBR करप्ट या ओवरराइट हो जाता है, जिससे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बूट नहीं करता है और आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। MBR करप्ट या ओवरराइट होने के कुछ खास कारण है कि आपने अगर अपने सिस्टम के ऊपर ड्यूल बूटिंग कर रखी हो और दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में से किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को आप अगर अनइंस्टॉल करें, तो उस केस में हो सकता है कि आपको MBR को रिपेयर करना पड़े। और इसका दूसरा मेन रीजन है वायरस। वायरस की वजह से भी MBR या मास्टर बूट रिकॉर्ड करप्ट हो जाता है और उस केस में भी आपको इसे रिपेयर करना होता है। मैंने देखा है, अगर आपका सिस्टम 2-3 बार अनएक्सपेक्टेडली रिबूट हो जाए, चाहे पावर फेलियर की वजह से या किसी और वजह से, तब भी कभी कभी MBR करप्ट हो जाता है। तो कुछ भी केस हो और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट ना कर रहा हो, तो आपको MBR को रिपेयर करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम MBR को रिपेयर करने के लिए सिस्टम रिपेयर डिस्क को यूज कर रहे हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि सिस्टम रिपेयर डिस्क कैसे क्रिएट की जाती है, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए लिंक को क्लिक करके इससे रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं। इस सिस्टम रिपेयर डिस्क को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के CD/DVD ड्राइव में इंसर्ट कीजिए। बायोस में से फर्स्ट बूट डिवाइस CD/DVD को सिलेक्ट करें और सिस्टम को स्टार्ट करें, और उसके बाद का प्रोसेस हम अपने कंप्यूटर पे जाकर सीखते हैं। CD इंसर्ट करने के बाद किसी भी की को प्रेस करें ताकि आपका सिस्टम CD/DVD से बूट हो पाए। उसके बाद सिस्टम रिपेयर डिस्क से आपका सिस्टम बूट हो रहा है। सिस्टम रिपेयर डिस्क से बूट होने में कुछ समय लगता है। सिस्टम आपका स्टार्टअप से बूट हो रहा है। ऐसा होने के बाद सबसे पहली स्क्रीन सिस्टम रिकवरी ऑप्शंस में जो आपके सामने आती है, उसमें आपको कीबोर्ड इनपुट मेथड को सिलेक्ट करना होता है। आप कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं इस केस में डिफॉल्ट लैंग्वेज जो कि US है, उसे ही रहने देता हूं और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। ऐसा करने के बाद सिस्टम रिकवरी ऑप्शंस आपके हार्ड डिस्क के ऊपर इंस्टॉल्ड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सर्च करती हैं। देखिए, आपके सामने एक विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम लिस्ट में अपीयर हुआ है। अब अगर आप यहां से नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले सिस्टम रिकवरी ऑप्शंस आपके इस विंडोज 7 सिस्टम को ऑटोमेटिकली रिपेयर करने की कोशिश करता है, जिसमें 5-10 मिनट से लेके कभी कभी 1 आवर तक भी लग जाता है। वैसे देखा जाए तो ये बेस्ट वे है, और अक्सर देखा गया है कि सिस्टम इस प्रोसेस को फॉलो करके ऑटोमेटिकली विंडोज को रिपेयर कर लेता है। लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, और अगर आप डायरेक्टली MBR को रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप यहां से सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। वैसे तो ये ऑप्शन पहले से लिए हुए बैकअप से इस सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए है, लेकिन हम इसे सिलेक्ट करने के बाद इस प्रोसेस को कैंसिल करके विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। मैं यहां से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं। विंडोज को कोई सिस्टम इमेज नहीं मिली है इस कंप्यूटर पे। कैंसिल पे क्लिक करते हैं, अगेन कैंसिल पे क्लिक करते हैं, तो देखिए सिस्टम रिकवरी ऑप्शंस में हमारे पास कुछ रिकवरी टूल्स आए हैं, जिनमें से लास्ट ऑप्शन है कमांड प्रॉम्प्ट। मैं इसे यहां से सिलेक्ट करता हूं, और ऐसा करने के बाद विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने अपीयर हो गया है। इस विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट पे हम एक कमांड टाइप करते हैं, बूट REC यानी के bootrec स्पेस / फिक्स MBR, और एंटर की को प्रेस करते हैं। तो देखिए, लिखा आ रहा है द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे हमें इसी कमांड को दोबारा से रन करना है, लेकिन इस बार दूसरे ऑप्शन के साथ। तो मैं दोबारा से कमांड टाइप करता हूँ, bootrec या bootrec / फिक्स बूट, और एंटर की को प्रेस करता हूं, तो ये कमांड भी हमारी सक्सेसफुली रन कर गई है। यानी कि दोनों कमांड जिसकी हेल्प से हम MBR को रिपेयर करने वाले हैं, वो सक्सेसफुली रन कर गई हैं। अब आप अपने सिस्टम को रिबूट करवा के देखिए। अगर प्रॉब्लम करप्टेड MBR या ओवरराइट हुए MBR से रिलेटेड होगी, तो आपका सिस्टम रिबूट होने के बाद प्रॉपरली रन कर जाएगा। क्वेश्चन टाइम। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
आप मुझे बताइए कि इस वीडियो में हमने MBR को रिपेयर करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट में किस कमांड को यूज किया था। आपकी ऑप्शंस है ए बूट MBR, बी बूट रैक या फिर बूट REC या फिर सी फिक्स बूट। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना न भूलें। नए और लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम विंडोज 7 में सिस्टम रिपेयर डिस्क को यूज करके MBR को कैसे रिपेयर या फिक्स कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।